क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ये है एपिसोड 3 D2D और D2M का। सो आज का सीन है कि हम जा रहे हैं एकदम नीचे, हम जाएंगे देहरादून, वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमेंगे, वहाँ लंच वंच करके फिर दिल्ली निकलेंगे। सो अभी बजे सुबह के 8 और मैं रात को सो गया था। रात को मैंने रात का मतलब दिखाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मसूरी से ऊपर आने हुए थे और मतलब पूरी रात हम नहीं सोए थे ट्रिप पे। तो फिर अभी आराम करने का मौका मिला। सो भाई हम सब ना मतलब फुल पावर मौज कर रहे थे रात में। सो अब सीधे ना आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। सो भाई ये टॉयलेट है, जैसा आपको मैंने बताया था ना, मतलब ज़्यादा बड़ा है, छोटा सा है। सो अभी पेश वेश करके मैं आपको सीधा बाहर मिलता हूँ, क्योंकि मतलब तो भाई नींद नहीं खुल रही है, चाय पीने के बाद ही नींद खुलेगी। सो भाई सीधा मैं बाहर जाके मिलता हूँ। लास्ट व्यू देख लेते हैं यहाँ का, फिर तो भाई साहब पता नहीं कब आना हो। वाओ वाओ भाई वाओ, बहुत बढ़िया लग रहा है यार वहाँ के ग्लेशियर्स। और अभी अभी जाना है यहाँ से, फिर नीचे उतरना है, सब दिखाऊंगा आपको कि कैसा है मतलब सुबह सुबह का, मतलब भीड़ भीड़ होती है नहीं होती, सुबह दिखाता हूँ, मतलब सब दिखाता हूँ। बहुत ठंड हो रही है यार, बोला नहीं जा रहा। कल का नहीं दिखाया था यहाँ पे, तो देख सो कितने सही माउंटेन्स है। ये रास्ता वहाँ से आता सीधा माल रोड से आता है, और ये रास्ता भी मतलब यहाँ पे खाने पीने को मिल जाएगा और होटल वगैरह मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ये होटल यहाँ है, एक नहीं बहुत सारे होटल है लाइन से। सो देखो भाई बहुत सही व्यू आ रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं चाय वाय पीने और फिर हम निकल लेंगे दिल्ली के लिए, आई मीन देहरादून के लिए। तो अभी फिर सीधा आपको मिलते हैं गाड़ी में। सो यहाँ पे यही चलता है, मतलब जाम हम देख सकते हो ना कितना जाम है, बहुत जाम है। देखो ऐसे लाइन लाइन से गाड़ी चलती है। सुबह ही फिलहाल हम निकल चुके हैं होटल से, और अब हम नीचे का आपको नीचे दिखाता हूँ, सिनेमैटिक शॉट बताता हूँ, और कमेंट करके बता करके बताना कि कैसे लगे शॉट्स। सो भाई फाइनली हमें मिल गया है ढाबा, तो अभी अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं मतलब कैसा है कैसा है। सो भाई ये देख सकते हो जैसे कि मतलब वहाँ यहाँ से वहाँ जाने का कुछ सिस्टम है, और वो एक सामने साइकिल दिख रही है, वो साइकिल वो भी सेम है, वो भी यहाँ से वहाँ जाती है, अलग ही सीन है। और यहाँ का व्यू देखो क्या जहर व्यू है। अभी हम मसूरी के हम नीचे उतर रहे हैं, तो हमने स्टॉप लिया अभी खाने के लिए। सो भाई आप देख सकते हो मतलब नीचे कितना जहर मतलब क्या लग रहा है, देहरादून बहुत ज़्यादा ही सही लग रहा है। और ये जैसे मैंने बताया था साइकिलिंग ऑन वायर, मैंने पोस्टर भी दिखाया था, ये मतलब साइकिल यहाँ से वहाँ तक जाती है, और इसमें एक और भी है वो वहाँ से मतलब आप बैठोगे और ये लाइन वहाँ तक जाएगी और वहाँ छोड़ोगे और वापस वहाँ से यहाँ पर आओगे। वो सब हटाओ, ये सब देखो मतलब कितना सही लग रहा है वहाँ से ऊपर में, और बहुत ज़्यादा ही सही लग रहा है देखो। सो किसी को यहाँ पे आके विज़िट करना है तो मैंने यहाँ पर इसका पोस्टर दे रखा है, यहाँ पे आ रहा होगा तो इसको आओ, इस पर विज़िट करो, बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। सो और मतलब अच्छी रेटिंग्स भी है, आप अगर गूगल मैप्स पे भी आओगे तब भी आपको मिल जाएगा। सो अभी हम थोड़ा घूमते हैं फिर हम चले जाएंगे देहरादून। सो सब कुछ टर्न हो गया है, चिप्स सब ले लिया है नीचे जाने के लिए। सो अब जाएंगे नीचे, सब जाते हैं नीचे, और नीचे जाके आपको देहरादून का व्यू दिखाता हूं। जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं यहां का, ये देखो इसे देखो भाई ब्लॉगिंग करते हुए फुल पावर, यहाँ से नीचे देखो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब इसे देखो भाई फुल पावर HR रिकॉर्ड्स, बिल्कुल भाई बिल्कुल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो भाई
ये आप देख सकते हो जैसे कि पहाड़ कितने सही टेक्सचर पे, और वहाँ पे हल्के हल्के बादल ऊपर है। मैं लो लाइट करके दिखाता हूँ, देखो मतलब बाल मतलब बादल कैसे ऊपर ऊपर है पहाड़ों पे। ओह यही वाला, यही पे तो हम खाना कर रखा था। पूरा जंगल फुल पावर लग रहा है। पीछे घुसने का रास्ता था यहाँ पर, याद है बन्नी पीछे दारू पी के गिर रहे थे। यही तो उन्होंने सारे खाने का अरेंज कर रखा था। वहाँ सामने गड्ढे हो रखे हैं कि मतलब कोई जंगली जानवर आ ना सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत शेर चीते वगैरह घूमते हैं ना। तो वहाँ एकदम मैं जूम करके दिखाता हूँ, सामने ना गड्ढा हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस की तरफ। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पत्थर वत्थर के तो सही लग रहे हैं, मतलब सूखी नदी है यहाँ पे, पहले नदी हुआ करती थी बट अब नहीं है। बट देखो जैसे कि यार इतना सही लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। और मतलब देखो जैसे ब्रिज के नीचे जैसे यहाँ पे पहले पानी आता था, और अभी नदी पूरी सूख चुकी है। ओह सो भाई बहुत सही है, बहुत सही एकदम। वहाँ से दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके, बहुत कूल है। सो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब देख सकते हो टाइम लैप्स डालता भी गाड़ी का ना, तो मतलब बता रहे कैसा लगा, थोड़ा क्रिएटिव सोचा करने का। सो मतलब बहुत सही है, नदी पूरी सूखी पड़ी है यार, मतलब यहाँ से नहीं पूरी आगे तक जाएगी। बट बहुत अच्छा लगा भाई, मसूरी भी अच्छा लगा, और देहरादून का ये अब सीधे नीचे जाने का है। तो अब यहाँ से तो हमने हरिद्वार वाले रास्ते से इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम वाम रहता है, तो हमने यही प्रेफर करा। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं देहरादून वाले रास्ते से, फिर नीचे उतरेंगे और फिर कुछ लंच वंच करेंगे, खाने वाने का देखेंगे चाय क्या। देखो भाई जैसे देखो गलत 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 मतलब कुछ भी करो, ये देखो ऊपर आ जा रहने दे, गिर जाएगा। सो भाई मैंने नीचे से आके दिखा दिया सबसे बढ़िया। सो देखो भाई कितना ऑसम लग रहा है, तभी भाई माउंटेन्स पे आना वर्थ होता है, बहुत वर्थ होता है। ये टनल जो देख रहे हो, टनल कह रहे हो सॉरी, जो है जो भी है टनल वनल, तो ये वो टनल है जहाँ से पानी आता है, और उसके पीछे वही ये नदी पूरी सूख रखी है। तो ये बता रहा था मैं कि भाई वो पहाड़ वहाड़ देखो कितने सही लग रहा है, बहुत कूल है। और ये व्लॉग बना रहे हैं, शर्म नहीं आती ना, इस वजह से जाम लग रहा था। सेफ ड्राइव। सो भाई अभी थोड़ा कर रहा है हमने रेस्ट, और ये खड़ी हमारी गाड़ी, और अभी हम जाना है सीधा जाना है। थोड़ा रुके हैं यार क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, एक तो ठंड बहुत हो रही है, देहरादून में इतनी ठंड नहीं थी जितनी यहाँ पे ठंड हो रही है। तो अभी फ़िलहाल अभी देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, बाकी आप खेत वेत देख लो, पूरा मतलब नेचर ही नेचर है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी आगे भी है। सो अभी रुके हैं थोड़ी देर, फिर जाते हैं सीधा। अच्छा ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए मान ब्लॉग्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ा है गोभी, तोड़ रहा है एक्सपोज, गोभी कोदते हैं ये।
गोभी खोद दी है। गोभी खोद दी इसने। ओ भाई ये वाली गौरव जोन को डिस। किसान भाई हैं, इन्हें सपोर्ट देख सकते हो। जैसे मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक भीड़ है, आगे तक किसान भाई इन्हें सपोर्ट करो। और ये देख रहे हो कितने जो हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं कुछ। भाई आ चुके हैं अभी एक स्टॉप पे, वहाँ पर थोड़ा खाने के लिए। जैसे देख सकते हो बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है पीछे, मतलब जैसे मैंने दिखाया था, मतलब यहाँ पर ना जो प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों के ऊपर, उनके मतलब बेसिस पे ना लोग मतलब जा रहे हैं, तो उनके लिए खाना पहुँचाया जा रहा है। एक पीछे गाड़ी चल रही है ट्रक को मतलब सेव करके, तो वो सब छोड़ो अभी चलते सीधे आ गए कि कुछ खाया नहीं दोपहर में, और अभी दोपहर हो रही है कुछ खाया नहीं हमने, तो अभी हम जाते हैं अंदर अंदर आके देखते हैं कैसा है कैसे नहीं। इसमें खाना वाना सब कुछ हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हैवी फूड हो गया। और मैं अंदर का इसलिए दिखा पाया क्योंकि भाई भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना, देखिए टाइम लैप्स लेने का ना टाइम ही नहीं मिला। तो कोई नहीं, अब अभी हमने खाना वाना खा लिया, सो अभी हम जा रहे हैं और दिल्ली में मतलब अभी पहुँचने वाले हैं 83 किलोमीटर है। सो कवर अप करते हैं जल्दी से क्योंकि शाम के अब 6:30 हो रहे हैं, तो जल्दी से अब कवर अप करते क्योंकि शाम के अब 5:30 हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपको अब सीधा दिल्ली में जाकर। दिल्ली आए जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गए वापस, और बहुत ज़्यादा सही ट्रिप रही। अब मैं अभी आपको सीधा घर पे जाके मिलूँगी क्योंकि बहुत थके हुए हैं गाइस। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ दिल्ली और भी मैं हूँ घर पे। बहुत अच्छी ट्रिप रही और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड अगर आपको पूरी सीरीज डे टू डी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं पूरा बताना सीरीज कैसे लें कमेंट में जाके। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। भाई जिसने मेरे साथ कोलैब करा इस पूरी ट्रिप पे वो है अमान, और अमान को भी पूरी सपोर्ट देना, उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी चेक करना, उसके पूरे मेरे से ज़्यादा सीरीज होंगे उसके, तो उसको भी सपोर्ट करना। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।